खुदा ऐ मेरे खुदा, दिल की है कल में आ जा। क्या बुरे क्या भले
जयकार करो यीशु नाम की जय जयकार जय जयकार करो जय जयकार करो यीशु नाम की जय जय जयकार पिता नाम की जय जयकार करो पिता नाम की जय जयकार यीशु नाम की जय जयकार करो यीशु नाम की जय जयकार आत्मा नाम की जय जयकार करो आत्मा नाम की जय जयकार गली हर नगर प्यार के सिलसिले हर गली हर नगर प्यार के सिलसिले दूर हो जो कोई तुझसे वो मिले हे प्रभु हम तेरे हो गए तू थाम ले तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो मैं तुम्हें नाम से बुलाता हूँ
तुम मेरे हो। इस शुभ अवसर पर हम फादर यशराज के 25वें वर्ष का जुबली मना रहे हैं। हम अपने पल्ली पुरोहित का स्वागत करते हैं और हार्दिक बधाई देते हैं। इस शुभ दिन पर मैं उनके जीवन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। उनका जन्म 26 अप्रैल 1957 में मैसूर के मार्कोली गांव, जो तमिलनाडु के बॉर्डर पर हुआ था। मिस्टर राजमुत्तु व मिसेस सबस्तियम्मा के तीसरे बेटे हैं। उनकी पढ़ाई 7वीं कक्षा तक उनकी गांव में तमिल भाषा में हुई। उसके बाद 8वीं से 10वीं तक कनाडा में और पीयूसी इंग्लिश में किया। 1980 में उन्होंने नागपुर संचार सेमिनरी में पढ़ाई के लिए आए। पढ़ाई के बाद 14 जनवरी 1991 में उनका पुरोहिताई अभिषेक हुआ। पहली शुरुआत अहिरवाड़ा एमपी में सहायक पुरोहित के रूप में कार्य किया। फिर वे पादरी थाना पुटीबोरी नागपुर गए। उसके बाद बड़कुई जिला छिंदवाड़ा गए। वहां से जरीपट का सेंट मार्टिन नगर नागपुर में रहे। उसके बाद डब्ल्यूसीएल सिलवाड़ा फिर कैंपटी में नोविस मास्टर के रूप में सेवा किया। वर्तमान में वे विगत 4 वर्ष से क्राइस्ट किंग चर्च अमला में पल्ली पुरोहित के पद पर रहकर सेवाएं दे रहे हैं। हम सब परिवासी उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनके माता पिता की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं तथा उनके माता पिता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को ईश्वर की सेवा के लिए त्याग किया तथा उनके भाइयों के आत्मा के लिए भी प्रार्थना करें। ईश्वर से ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करें। हम उन सबों के याद करें जिन्होंने फादर के लिए प्रार्थनाएं की तथा उन्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए मदद किए। हम फादर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए व लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें तथा ईश्वर के वचनों को कोने कोने तक पहुँचाए और बहुत लोगों को ईश्वर सेवा में लाए और आगे बढ़ते जाए। हम सब परिवासियों की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं 25 वर्ष जुबली की आशीर्वाद के साथ। आइए हम मिसा बलिदान में फादर के विशेष मतलबों के लिए प्रार्थना करें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सौचर्य आप सबों को प्राप्त हो। मैंने प्रभु से कहा, तू ही मेरा स्वामी है, तुझसे अलग मेरी भलाई नहीं। प्रभु तो मेरा कटोरा है, तू मेरा अंश है, जो मुझे दिया गया है तू ही मेरा भाग संभालता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई तो बहनों, धन्यवाद बड़े हृदय से पिछले 25 साल की पुरोहिताई जीवन के लिए आप सबों के साथ मिलकर मैं ईश्वर को धन्यवाद के रूप में यह पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाना चाहता हूं। इन 25 सालों में ईश्वर ने मेरे हरेक कदम, मेरे हरेक सांस प्रभु यीशु ने संचालित किया है और यदि आज मैं 25 साल पूरा किया है, यह ईश्वर की दया मुझ पर बनी हुई है। ईश्वर की इस महान दया के लिए आइए हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। पुरोहित जो प्रभु यीशु का स्थान लेता है, पुरोहिताई सारी कलीसिया के लिए प्रभु की ओर से एक वरदान है और पुरोहिताई ना केवल एक वरदान है, यह एक रहस्य भी है।
हम समझ नहीं पाते हैं पूरी तरह से। और यदि यह वरदान ईश्वर ने मुझे प्रदान किया है तो मुझ में ऐसा कोई कुछ गुण पुण्य नहीं है, मगर ईश्वर की दया ने मुझे चुना है। और ये महान वरदान क्यों, जब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पुरोहिताई के द्वारा ही हमें यीशु मिलता है, पुरोहिताई के द्वारा ही हमें हर प्रकार के संस्कार आत्मिक वरदान, और पुरोहित के द्वारा ही आप सबों को स्वर्ग जाने के लिए रास्ता। यदि पुरोहित नहीं है तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगी। और इसलिए जब आप पुरोहिताई के सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, प्रशंसा करते हैं, मेरी नहीं मगर प्रभु यीशु का, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं अपने दिल के प्यार को पुरोहितों में बांटते हैं। ताई ही भावना से ईश्वर को पुरोहिताई वरदान के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करें कि ऐसे बहुत से पुरोहितों को ईश्वर चुने और अपना कार्य को जारी रखें। इस पवित्र बलिदान में हम योग्य रीति से भाग लेने अपने पाप स्वीकार करें। हम सब मिलकर बोलें, सर्वशक्तिमान ईश्वर आप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। Yeah, I'm sorry.
हे पावन पिता, तूने मुझे खोजा योग्य को प्रभु क्रिस्त के सनातन पुरोहित का सहभागी और कलीसिया का सेवक होने के लिए चुना है। सुसमाचार का परिश्रमी और विनम्र प्रचारक बना रहूं तथा ईमानदारी से तेरी संस्कार संपन्न करता जाऊं। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे द्वारा पवित्र आत्मा के साथ जीते आराध्य करते अध्याय 61 पर संख्या 1 से 3। प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है और मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढांढस बंधाऊं, बंदियों को छुड़ाऊं और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष और ईश्वर के प्रतिशोध का दिन घोषित करूं। विलाप करने वालों को सांत्वना दूं, रात के बदले उन्हें माला पहनाऊं, शोक वस्त्रों के बदले आनंद का तेल और निराशा के बदले स्तुति गान प्रदान करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हे प्रभु तू मेरा भाग्य है, हे प्रभु तू मेरा भाग्य है, हे प्रभु तू मेरा भाग्य है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु तू मेरा सर्वोच्च और मेरा भाग्य है, तेरे ही हाथों से मेरा जीवन है। हे प्रभु तू मेरा भाग्य है, हे प्रभु तू मेरा भाग्य है, हे प्रभु तू मेरा भाग्य है, हे प्रभु तू मेरा भाग्य है। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूंगा। मेरा अंतकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है, वह मेरे दाहिने विराजमान है क्योंकि मैं डर बना रहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु तू मेरा भाग्य है, हे प्रभु तू मेरा भाग्य है, हे प्रभु तू मेरा भाग्य है, हे प्रभु तू मेरा भाग्य है। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य। हे प्रभु तू मेरा भाग्य है, हे प्रभु तू मेरा भाग्य है, हे प्रभु तू मेरा भाग्य है, हे प्रभु तू मेरा भाग्य है। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 10। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 10। प्रत्येक प्रधान याजक मनुष्य में से चुना जाता और ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्य का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है,
जिससे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाए। वह अज्ञानियों और भूले भटके लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने पापों के लिए भी अपने लिए भी पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई अपने आप यह गौरवपूर्ण पद नहीं अपनाता। प्रत्येक प्रधान याजक हारून की तरह ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है। इसी प्रकार मसीह ने अपने को प्रधान याजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र भी वह कहता है, तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेलकीसेदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सबों के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। जय घोष। Ishwar,
परमेश्वर ने हम सब लोगों को एक साथ लाया है इस महान दिन में। पुरोहिताई वरदान के लिए धन्यवाद देते हुए पिता ईश्वर से निवेदन करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने पोप स्वामी फ्रांसिस एवं सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, सभी सिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और ईश्वर के कार्य में आगे बढ़ाते जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम सभी क्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि वे क्रिस्त को सही रूप से जानें, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताएं और अपने जीवन से उत्तम फल उत्पन्न करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने पल्ली पुरोहित फादर येसुराज की 25वीं पुरोहिताई जुबली मना रहे हैं। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य, उनकी लंबी उम्र की कामनाएं करते हैं तथा ईश्वर से उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें कि वे रोजरी माला के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाकर माता मरियम के जीवन से उदाहरण लेकर जीवन को बदलने का प्रयास करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने पल्ली पुरोहित के परिवार के सभी सदस्यों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अच्छा एवं स्वस्थ रखे तथा उनके परिवारों में शांति व एकता बनी रहे। इसके अलावा हम फादर राज के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सभी आशीषों से भर दे, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य एवं लंबी उम्र दे, जिससे वे ईश्वर के वचनों का प्रचार इसी तरह करते रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने सभी अपने स्वयं की जरूरतों को प्रभु के चरणों में रखें। हे दया में स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से 25 साल की पुरोहिताई जीवन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। विश्व के हर पुरोहितों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हर पुरोहितों को आप अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दें, जिससे वे हमेशा आपकी प्रतिनिधि बनकर जीवन जी सकें और आप मध्यस्थ बनकर हमारी प्रजा के लिए, हमारे लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए, विशेष जो यहाँ आज हुए हैं प्रभु यीशु, हर एक युवतियों पर आपकी पवित्र हाथ रखिए, उन्हें अपने पवित्र लहू से धोइए, हर एक व्यक्तियों को आपकी प्यार से भर दीजिए, जिससे वे निरंतर आपकी प्यार को अनुभव करते हुए सदा तेरी स्तुति और महिमा करने वाले बने। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, बहुत से युवक युवतियों को आपकी सेवा कार्य के लिए बुलाइए, जिससे आपके कार्य आगे बढ़ सके। और हमारे पहले में जितने भी लोग बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, प्रभु यीशु उन सबों पर आप आशीष रखिए, दीजिए, उन्हें अच्छे स्वास्थ्य लाभ दीजिए। यह वरदान मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। Yeah.
लिख रहे हैं, यह उचित है कि तेरे समस्त सृष्टि का गुणगान करे। कहीं अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के द्वारा हर पवित्र आत्मा की शक्ति से तो सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है, तो सभी गो में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशो दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे पार पवित्र आत्मा की शक्ति से दया पूर्वक पवित्र कर कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रेस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे बांधी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तो मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य।
प्रभु कृष्ण मेरे स्वामी मन के, प्रभु कृष्ण मेरे स्वामी मन के, तुम के मुझे को आ जाओ, मैं भटका रहा जीवन में, मैं भटका रहा जीवन में, तुम राह नहीं दिखला जाओ, प्रभु कृष्ण मेरे। ये जीवन पग पग उजला है और हर पग पग में अंधेरा है, ये जीवन पग पग उजला है और हर पग पग में अंधेरा है, तुम ज्योति बनो मेरे मन की, तुम ज्योति बनो मेरे मन की, और मन में ज्योति जला जाओ, प्रभु मेरे स्वामी मन के, प्रभु मेरे स्वामी मन के, तुम राजा हो, शरीर का रक्त, ख्रिस्त की बगल से निकला पानी, ख्रिस्त का दुख भोग, हे दयालु यीशु मेरी प्रार्थना सुनिए, अपने गांव के भीतर मुझे छिपाने की, शैतान से बचा कर मुझे अपने पास रखिए, मरते समय मुझे अपने संतों की संगति में बुलाए, ताकि मैं उनके साथ अनंत काल तक आपकी बड़ाई कर सकूं, आमीन। पवित्र आत्मा से पुरोहितों के लिए प्रार्थना। हे पवित्र आत्मा पुरोहितों के मित्र, प्रतिदिन अपने साथ वरदान उन्हें प्रदान करते रहें, जिससे कि वे अपने इस बुलाहट के योग्य जीवन को बिता पाएं। वे सबके लिए सब कुछ हो, जिससे कि वे स्वर्ग के लिए आत्माओं को बचा सके। आप उन्हें बालकों के प्रति धैर्य, बीमारों के लिए दया भाव, दीनहीनों के प्रति विनम्रता और कलीसिया के शत्रुओं के लिए उदारता प्रदान करें। आप उन्हें धर्म शिक्षा देने में सक्रिय, तपस्या में अथक और परम प्रसाद बांटने में उत्साही बनाएं। उन्हें नरक के राक्षसों के आतंक और नेक नियत लोगों के लिए
शांति दूत बना दे। वे जहाँ कहीं भी जाएं, आपकी आशीष उन पर बनी रहे और जिस घर में वे प्रवेश करें उस घर में उनके साथ आपकी शांति भी पहुँचने पाए। जिन्हें वे आशीर्वाद दें, आपकी आशीष उन लोगों पर हो। आप उन्हें अपने सच्चे शिष्य और संत बनाएं। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम प्रतिज्ञा तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में हो जैसे पृथ्वी पर हो। हमारा प्रतिदिन का हमारा समय दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और प्रणाम मरिया कृपा से तुम प्रभु के साथ है तेरे शिशुओं में और धरती से गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापी के लिए और हमारे मृत्यु के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। पवित्र परिवार से प्रार्थना। हे यीशु मरियम और योसेफ, आप में हम सच्चे प्रेम के वैभव का मनन चिंतन करते और भरोसे के साथ हम आपको आपकी ओर मुड़ते हैं। वे नाजरेत के पवित्र परिवार हमारे परिवारों को भी कृपा प्रदान कर कि वे एकता तथा प्रार्थना के स्थान, सुसमाचार के सच्चे विद्यालय एवं छोटे घरेलू कलीसिया बने। हे नाजरेत के परिवार, पवित्र परिवार, ऐसा वर दे कि परिवार फिर कभी हिंसा, तिरस्कार और विभाजन का अनुभव ना करे। जो भी आहत हुए हैं वे सहज विश्राम व चंगाई पाएं। हे नाजरेत के पवित्र परिवार, परिवारों की पवित्रता, अखंडता तथा ईश्वर की योजना में उसकी सुंदरता के प्रति हमें अधिक सचेत कर। हे यीशु मरियम और योसेफ, कृपया हमारी प्रार्थना सुन। आमीन। धन्यवाद की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और प्रेमी पिता परमेश्वर, फादर यीशु राज के रूप में आपने नागपुर महाधन प्राण को जो बहुमूल्य उपहार प्रदान किया है, इसके लिए आपके पुत्र यीशु के द्वारा हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने फादर यीशु राज को चुनने की दया दिखाई ताकि वे आपके पुत्र यीशु के दिव्य प्रोहिताई में सहभागी हो सकें। प्रोहिताई जीवन के 25 इयर्स की इस वर्षों में जो कुछ कृपाएं आपने फादर को प्रदान की है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम विनम्रता पूर्वक आपके निवेदन आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने पवित्र आत्मा द्वारा फादर राज को निरंतर आशीष कर ताकि जो कार्य आपने उन्हें सौंपे हैं वे उन्हें पूरा कर सके और बहुत सी आत्माओं को आपकी ओर अग्रसित कर सके। हे माता मरियम हमारी माँ, पुरोहितों की संरक्षिका, हमारे फादर राज के लिए सदैव मध्यस्थ बन और उन्हें हर बुराई से बचा। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम क्या जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और अपेक्षा में नाराज बन तो बुराई से बचा। हमें प्रणाम मरिया कृपा पुण्य प्रभु तेरे साथ है, धनी तो स्त्रियों में और धनी तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हो। आज के दिन 25 साल से पहले जब मैं पुरोहित बना और उस समय जो आनंद और खुशी मिला, आज दुगुना हो गया है। वो ताली में तो मुझे बहुत खुशी है, आनंद है आप लोगों के साथ जुबली मनाते हुए 25 साल को ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। इसलिए सबसे पहले ईश्वर को और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ आज के दिन को सफल बनाने के लिए।
आप सबों ने बहुत मेहनत किया है। सबसे पहले मेरी सिस्टर पुष्पा और बर्ता और अन्य सिस्टर लोगों ने जितने सुंदर तरीके से चर्च को सजाने के लिए बहुत दिनों से दिमाग में योजना बना रहे थे और बहुत दिनों से कार्य कर रहे थे, 3-4 दिन से, और आज के दिन को संभव बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया है। इसलिए मेरी ओर से, आप सबों की ओर से सिस्टर लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ साइमन एंड गायक पार्टी के लिए, जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से और गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मदद किया है, और पर्चा बनाने के लिए जैकब सर, और सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा गाना है। और धन्यवाद देता हूँ इसके लिए काशिमीर और गोलू और रफायल, जिन्होंने भोजन खाने के लिए मदद किया है। बहुत अच्छा सुंदर भोजन यहाँ का स्वाद आ रहा है। आप लोगों को बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं विनय के लिए, जिन्होंने अकेले में 2-3 दिन से मिलकर बहुत सुंदर तरीके से सब तरफ सजाया इस लाइट से। तो विनय, आप सब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ ही एक जन आए थे, विनय नहीं के साथ में कौन आए? और धन्यवाद नागपुर से आए मुन्ना जी, कहाँ मुन्ना? मुन्ना और अमित, अमित ने बहुत छोटा सा नोटिस दिया और उन्होंने बड़ी खुशी से आई और हमारे साथ रहे और बहुत अच्छे तरीके से अपना फोटो खींचे लगता है। और मुन्ना जी मुझे पहले से परिचित है, बहुत अच्छा मित्र है, और वह अपना नौकरी सब त्याग कर प्रभु के कार्य में अभी मध्यस्थ प्रार्थना में समय बिताता है। सोचने की बात है, वॉलंटरी लिया है, बोले बहुत कमाई होगी, अभी मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। इस कुछ साल पहले ही नौकरी त्याग कर प्रभु की सेवा में मध्यस्थ प्रार्थना में, यदि आप लोगों को कोई चीजों की जरूरत है, मध्यस्थता की जरूरत है, उनसे मांग सकते हैं। तो आप दोनों को, अमित और मुन्ना जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपका काम आधा ही पूरा हुआ है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जाने से पहले, छोड़ने से पहले हर परिवार से मैं यहाँ फोटो खींचना चाहता हूँ। हर परिवार फादर को बधाई बोलेंगे और फोटो खींचे, और इसके बाद एक्चुअली उसके बाद एक कॉमन फोटो होना चाहिए, इसलिए सब लोग यही रहेंगे, अंत में ये कॉमन फोटो हो जाएगा। और उसके बाद अपन हॉल में जाते हैं, क्लासरूम में, जहाँ थोड़े समय के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, और उसके बाद प्रीति बोर्ज। और एक विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे टीचर लोगों के लिए, बहुत प्रयास किया उन्होंने, उनमें से बहुत से लोग आए हैं। तो टीचर का नाम सब लोगों को स्वागत है, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। और किसी को मैं धन्यवाद देना भूल गया हूँ सुपीरियर के लिए, विशेष रूप से ये सभी कामों को सिस्टर कोऑर्डिनेट किया है और इससे संपन्न होने के लिए मदद किया है, इसलिए सिस्टर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे नाम की महिमा के लिए मैंने अपने पुरोहित अभिषेक की वर्षगांठ पर सानंद क्रिस्त के बलिदान को चढ़ाया है, अब मैं यथार्थ में इस बलि के प्रतिरूप बनूं जिसे मैंने अभी संस्कार में चढ़ाया है। यह प्रार्थना सुन मुनि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीष प्रदान करें। आप सब विद्यालय प्रभु की सेवा में लगे रहें।
माता ने